क्षेत्र के तीन डंपरों ट्रैक्टरों की सूचना पर वहाँ पर ट्रैक्टर पकड़े। दो ट्रैक्टर साहब ने पकड़ लिए, एक ट्रैक्टर के पीछे में भागा तो सब ने बल्ब को धक्का दे के मेरे को फेंक दिया। मैं ट्रैक्टर के नीचे मेरा पैर आ गया। कितने बजे की घटना है ये? अपने 11:10-11 बजे की बात। कितने रेत माफिया थे लगभग? 3 ट्रैक्टर थे। और किसी के ऊपर भी कोई घटना हुई है? नहीं, कोई किसी के। ट्रैक्टर भाग गए, ट्रैक्टर वाले भाग गए। अभी क्या तकलीफ है आपके? कुछ नहीं सर, पैर में दिक्कत है। दोनों पैरों के ऊपर चढ़ाई है क्या गाड़ी? जी, दोनों ट्रैक्टर बड़ा टाइट चढ़ा है दोनों पैरों। विगत रात्रि झलकापुर चौकी की सूचना प्राप्त हुई थी कि जादपुरा खदान में अवैध रेत परिवहन हो रहा है, ट्रैक्टर ट्रालियाँ चल रही हैं। इस सूचना पर चौकी प्रभारी राजू माखोड़ अपने स्टाफ के साथ जहाजपुरा गए थे और उन्होंने देखा कि ये ट्रैक्टर एक के भगाती हुए तेज रेत जिस पर रेत भरी हुई थी और भगाती हुए ले जा रहा है, तो हमारे आरक्षक धर्मेंद्र ने उसको रोकने की कोशिश की ट्रैक्टर को, तो वो ट्रैक्टर नहीं रुका और उसको डैश मारते हुए और भाग गया धक्का देते हुए। तो हमारे जो आरक्षक धर्मेंद्र है उसको जांग में गंभीर चोट आई है, फ्रैक्चर है। वो अभी मीणा अस्पताल होशंगाबाद में इलाज के लिए भर्ती है। वो अब स्वस्थ है पूरी तरह से और उसका डॉक्टर साहब ने बताया इसकी जो चोट है उसका ऑपरेशन होगा, बाकी उसको कोई खतरा नहीं है। अब हमने आरोपियों की तलाश के लिए टीम लगा दी है और पूरा हम जल्दी से जल्दी शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। एक घटनाक्रम में हमने आरोपियों के विरुद्ध दीपक दायमा और उसका भाई विनय दायमा है, मकोरिया कीर के रहने वाले हैं, इनके खिलाफ धारा 307, 353, 379 भारतीय दंड विधान के तहत सख्त कार्रवाई FIR की है और प्रकरण दर्ज किया है, विवेचना की जा रही है और ऐसे आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।